हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पेप्लम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी। स्ट्रैपलेस स्लीव्स की कुर्ती नहीं है। बॉडी इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच का मेजरमेंट लिया है और हमें यहाँ पे सिर्फ आर्म होल्स का हाफ लेंगे तो 3 इंच का मैंने यहाँ पे आर्म होल्स ले लिया है। एंड इस तरीके से मैंने नेक भी यहाँ पे 3 इंच रखा है और शोल्डर को हम इस तरीके से नेक के पास सबसे पहले अटैच कर लेंगे कर्व शेप में और हल्का सा कर्व शेप आर्म होल्स के पास देकर इसे कट कर देंगे। तो ये मेरा अस्तर का फैब्रिक था। मैं इस टॉप को दुपट्टे से क्रिएट करूँगी तो सेम अस्तर को ट्रेस करते हुए मैं इसी तरीके से दुपट्टे का भी फैब्रिक कट कर लूँगी। तो ये मेरा मेन जो है वो दुपट्टे का फैब्रिक है। तो इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, अस्तर का फैब्रिक इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे और बस हमें इसे सिंपली सेम अस्तर के जैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही कट कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो है वो कट कर रही हूँ। तो ऐसा कट करने के बाद हमें अपना जो मेन फैब्रिक है हमारे दुपट्टे का, ये भी आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे एक जगह फोल्डेड आई तो उसे हम कट कर देंगे। और अस्तर को अटैच करने का आसान तरीका ये है, तो सबसे पहले आप अस्तर को मेन फैब्रिक पे रख के गला, आर्म होल्स और साइड को जॉइन कर लीजिए। और उसके बाद जब इस तरीके से आप फ्लिप करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आपका जो अस्तर है वो अटैच भी हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा नीट लुक आता है, जिससे कि आपके अंदर और बाहर दोनों नीट रहता है। तो दोनों साइड मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे रॉन्ग साइड पर हम प्लेस कर लें एंड साइड की जो है वो फिटिंग दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ मैंने साइड की फिटिंग दे दी एंड बॉडीज पूरी रेडी है। अब घेरे के लिए मैं जो यहाँ पर अस्तर कट करूँगी वो है रफिल का। तो ए लाइन शेप का कट करेंगे। कपड़े को एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा जो है हम ए लाइन में फोल्ड कर लेंगे। तो हम कोने से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो जो कोने का भाग होगा वहाँ पर कमर का आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट लेना है। जितनी आपकी कमर है उसमें 1/2 इंच लूजिंग देते हुए ले लीजिए। फिर जितना लंबा आपको घेरा रखना है आप उसकी हाइट ले लीजिए। ऊपर से रखते हुए आप जब नेगेटिव घुमाएंगे तो एक अच्छा सा कर्व शेप आएगा। उस कर्व शेप पे आपको इस तरीके से ट्रेस कर लेना होगा एंड इसे हम जब कट करेंगे, अगर आपको शॉर्ट होगा तो आप कभी भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। कट करने के बाद जब इसे ओपन करेंगे एक बार तो एक साइड खुली होगी, एक साइड बंद होगी। पूरे फैब्रिक को हम जब इस तरीके से खोलेंगे तो एक अच्छा सा सेमी सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने जो अपना अस्तर भी है वो कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब जो दुपट्टा है मैंने उसे कट नहीं किया है, मैं इसे ओपन करके बता दूँ। काफ़ी अच्छा घेरा फ्लेयर हमें अस्तर के लिए मिलेगा। तो पेप्लम जो कुर्ती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोई बनती है। इस कपड़े पे मैंने कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेट कपड़ा ले लिया है और इसी की जो कमर है बस प्लीस देते हुए मेन फैब्रिक जो दुपट्टे का है उसे अस्तर पे हम धीरे धीरे इस तरीके से चुन्नटे देते हुए अटैच कर लेंगे। तो आप देखिए बहुत ब्यूटीफुल सी चुन्नटे आ गई हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम अपना बॉडीज लेंगे जिसमें मैं लेस की स्ट्रैप लगा रही हूँ। 3 इंच की हमने आर्मोल्स लिया था तो 4 इंच की स्ट्रैप्स हम यहाँ पे लगा लेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों। इसी तरीके से हम लेस को घुमाते हुए जो है वो स्ट्रैप बना लेंगे। आप चाहो तो इसी कपड़े का भी बना सकते हैं। उसके बाद घेरे को इस तरीके से उल्टा और ब्लाउज को सीधा रखते हुए घेरे को भी हम अटैच कर लेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने घेरे को भी अटैच कर लिया है एंड बहुत ही आसानी तरीके से हमारा जो ये पेप्लम कुर्ती है वो रेडी हो चुका है। एंड इसे कोई नहीं कह सकता कि हमने इसे दुपट्टे से कन्वर्ट किया है। तो अगर आपके पास कोई दुपट्टा है तो आप इस तरीके का टॉप बनाकर इसे वेयर कर सकते हैं। आप इसे स्लैक्स के साथ, जीन्स, ट्यूडर पैंट के साथ वेयर कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो much for watching my channel. Bye bye, take care.